नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है क्या मैरिड लड़कियां गठबंधन कर सकती हैं या नहीं। जी हाँ, मैरिड लड़कियां गठबंधन तो कर सकती हैं। वैसे उन्होंने गठबंधन जैसे अनमैरिड लड़कियां करती हैं मौड़ी से वैसे नहीं करना है। जैसे लड़का लड़की की शादी में गठबंधन करते हैं, उन्होंने वैसे ही गठबंधन शिव भगवान शिव और माँ पार्वती जी का करना है। लड़की का दुपट्टा पकड़कर और लड़के का गमछा पकड़कर, जो लड़का अपने कंधे पे ओढ़ता है और उसको जोड़कर बीच में हम पीले रंग के चावल पैसा फूल डालकर हम गठबंधन कर सकते हैं। जो भी वस्त्र भगवान शिव जी को आपने अर्पित किया है, या तो आप पीला कपड़ा अर्पित कर सकते हैं, या फिर धोती या फिर गमछा। पार्वती जी को जो भी आपने कपड़ा, साड़ी या चुनरी उड़ाई है, उन दोनों चीज़ों को मिलाकर आपस में बांध दिया जाता है। पहले हम पोटली को भगवान शिव जी भोलेनाथ जी के वस्त्र में बांध लेते हैं, फिर उस पोटली वाले वस्त्र को लेकर इनके कंधे से लेकर उनके कंधे तक बीच में हम गठजोड़ कर देते हैं। इस तरह मैरिड लड़कियां ने भगवान शिव जी भोलेनाथ जी और पार्वती मैया का गठबंधन करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।